मम्मी मम्मी रोटी दे दो, भूख लग रही है। अच्छा बेटा चल तू खाट पर बैठ, मैं तुझे अभी देती हूँ। अरे सब्जी तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ इसे प्याज से रोटी दे देती हूँ। बेटा घर में सब्जी नहीं है, अभी तू ऐसे ही खा ले। तेरे पापा अभी काम से आते ही होंगे, फिर हम सब्जी मंगाएंगे, फिर खा लेना सब्जी से, ठीक है? मम्मी सब्जी से खानी है, मैं खाऊंगा। आ गए तुम? कहीं काम मिला क्या? यार कहीं काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, घर में नमक तक नहीं है और आज राघव भी सब्जी की जिद कर रहा था। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे रोटी ला कर दे दो। घर में रोटी नहीं है, एक रोटी थी वो भी राघव को खिला दी और आज आटा भी खत्म हो गया। पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है। फाजल तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं किसी के पास काम मांगने जाऊँगा, क्या पता काम मिल जाए। भाई ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? ये बैग मुझे रोड पर मिला था। भाई ये बैग मेरा है और इसमें मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं। आज ये बैग तुम्हें नहीं मिलता तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। ये लो साहब। लो भाई तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो, तुम रख लो। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रख लो। साहब हम गरीब लोग हैं, हम आपसे कैसे रुपये ले सकते हैं? भाई तुम गरीब नहीं हो, जिसका दिल बड़ा होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं ले रहे तो ये लो मेरा नंबर, तुम्हें कोई परेशानी पड़े तो मुझ पर कॉल कर देना। ठीक है सर। ठीक है यार। अन्ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पवन को कैसे मरवाया जाए। भाई नमस्ते। नमस्ते, बोल क्यों आया है? भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? भाई आज अच्छा मौका है, पवन को इसके हाथों मरवा देते हैं और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ठीक कह रहा है, चल इससे बात करते हैं। देख हम तुझे पैसे तो दे देंगे लेकिन तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा भाई? तुझे एक लड़के का मर्डर करना पड़ेगा। क्या मर्डर? भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख ले हम तुझको बहुत रुपए देंगे जिससे तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये देख उसका फोटो। भाई मुझको तो कुछ नहीं होगा। अगर तू घबरा क्यों रहा है, हम है ना। ये ले एडवांस। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? कोई काम मिला या नहीं? कहीं काम नहीं मिला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे हम, किसके सहारे रहेंगे हम? लोग क्या बोलेंगे हमारे बच्चे को? तुम ऐसा मत करो, ये पैसे वापस कराओ, हम भूखे रह लेंगे। ठीक है
ये मैं पैसे वापस करके आता हूँ। अन्ना, जो किसान हमारे पास आया था उसने ना तो अभी पवन को मारा है और हमसे रुपये भी ले गया। भाई हम ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं, मैंने देखा उसका घर। ये किसकी बीवी है, कितनी सुंदर है। भाई उसकी गरीबी की बीवी है। चल पूछते हैं। ओए, तेरा पति कहाँ है? तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, तेरा पति कहाँ है जल्दी बता। वो अभी थोड़ी देर पहले किसी से मिलने गए हैं। चल ठीक है, अगर वो आ जाए तो उसे हमारे पास भेज देना और कह देना किस एरिया के भाई आए थे। ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो। यार आज तो हमने उसको लूट लिया, कल का जुगाड़ कैसे होगा। भाई वो देख, उसको लूटते हैं, मत अपना कल का जुगाड़ फिर हो जाए। चल पैसे निकाल, नहीं तो ये बोतल तेरे सर में मार दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इतने सारे पैसे कहां से लेकर आऊंगा? अगर उनके रुपए नहीं पहुंचे तो वो मुझे जान से मार देंगे। ऐसा करता हुआ मैं घर वापस चलता हूं। आए उनके पैसे? हमारे घर दो आदमी आए थे, बोल रहे थे हम इस एरिया के भाई हैं। काजल मैं रास्ते में जा रहा था। अब हम क्या करेंगे यार? काजल मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, तो हमें इतना क्यों सता रहा है? एक तो घर में कुछ खाने को नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी सजा दे दी, अब हम कहां जाएंगे? मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ना, वो किसान अभी तक तो आया नहीं और उसकी बीवी बोल रही थी कि वो आ जाएंगे तो मैं भेज दूंगी। चला उसके घर चल। अबे ओ गरीब, तूने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? भाई मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? चल तू उसे मारने नहीं चाहता तो हमारे पैसे वापस कर दे। भाई तुम्हारे पैसे मुझसे कुछ गुंडों ने छीन लिए थे। ओहो, तुम दोनों चाल दो बदमाश, चलिए। नहीं, ये सच बोल रहे हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस दो नहीं तो हम इस घर पे कब्जा कर लेंगे। भाई ऐसा मत करो, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाओगे। अन्ना निकालो इन्हें बाहर, इनका सारा सामान फेंक दो बाहर। चल चल निकलो, ये पकड़ बैग और चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चल निकल। देखा ना भाई कितना खौफ है इस एरिया में हमारा, कर दिया ना सालो घर से बेघर। भाई कहाँ जा रहे हो? साहब मेरे घर पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया। अच्छा भाई तुम घबराओ मत, मुझे ले चलो अपने घर। साहब वे बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम चलो, मैं बात करता हूँ उनसे। ये क्यों आए हैं यहाँ? साहब ये लोग हैं। अब क्यों आए हो यहाँ? यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, सब हमारा है। ये सब बोलने से ये सब तुम्हारा नहीं हो जाएगा?
बता कितने रुपए हैं तेरे? 50,000 रुपए हैं, तू देगा क्या? ये पकड़ पैसे, और आज के बाद इधर दिखाई मत देना। ये लो बैग, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। साहब मैं इतनी बड़ी रकम कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, अगर ये बैग उस दिन तुम्हें नहीं मिलता तो मैं रोड पर आ जाता। ये लो, आज के बाद तुम्हें कोई गरीब नहीं बोलेगा।